subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. कोरोना वायरस की वजह से पूरा देश बिग बॉस बन गया है। जी हां, हर कोई कैद हो गया है, जहां हर किसी पर नियम और कानून तैनात कर दिए गए हैं, जहां घर से बाहर निकलना मतलब पुलिस के डंडे खाना और साथ ही साथ पुलिस की कार्यवाही में सामने आ जाना। मानो ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस पूरी तरह से घर में छा चुका है। यहाँ गवर्नमेंट बिग बॉस यानी कि सलमान खान बन गई है और पूरी दुनिया बिग बॉस का घर। पर आपको बता दें कि इन सब माहौल में प्रियंका चोपड़ा ने किस तरह से लाइव आकर लोगों को तसल्ली दी और कहा कि आप इन्हें बिग बॉस का घर ना समझें। जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि ये एक परेशानी है जिस परेशानी को हमें मिलकर ख़त्म करना है और आपको घर में रहने इसलिए दिया जा रहा है। घर में रहने के स्ट्रिक्ट कानून इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आप आने वाले दिनों में सुरक्षित जिंदगी जी सके और स्वच्छ रूप से सांस ले सके। प्रियंका ने ये भी कहा कि वो क्वारंटाइन रूम में है। जी हाँ, वो क्वारंटाइन जोन में है अपने हस्बैंड निक जॉन्स के साथ, जहाँ वो अपनी घर से बाहर नहीं निकल रही है। और आपको ये भी बता दें कि फिलहाल प्रियंका इस देश में नहीं है, जिस वजह से उनकी स्थिति लगातार बढ़ रही है। और अमेरिका की क्या हालत है ये आप भी जानते हैं। जहाँ मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है तो ही पॉजिटिव पेशेंट लाखों में गिने जा रहे हैं और इससे प्रियंका लोगों को इस बड़ी परेशानी में हल दे रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रियंका समझ रही हैं कि ये परेशानी ऐसे हल नहीं होगी जिस तरह से हम हाइपर हो रहे हैं, बल्कि अपने आप को शांत करेंगे तभी कुछ परेशानियों का हल निकलेगा। फिलहाल आगे की न्यूज़ यूँ ही देंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट के जरिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज़ न्यूज़रूम की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.